प्रदेश में वाम मोर्चा के आह्वान पर मुरादाबाद में CPI ML के जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत के नेतृत्व में वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र की और प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। आज कलेक्ट्रेट पर महंगाई पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि वापस करो, रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित करो आदि इन जैसे नारों की धूम रही। CPI ML जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत के नेतृत्व में वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर पार्क सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट तक जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए आए और 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री कामरेड अतिक अहमद एवं पार्टी प्रवक्ता थान सिंह और CPI के जिला मंत्री कामरेड रामकिशोर रस्तोगी तथा CPI ML के जिला प्रभारी एवं मोर्चा संयोजक कामरेड रोहिताश राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश को काला बाजार और जमाखोरों पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य वस्तुओं, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। सुरसा की भांति बढ़ती महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को तत्काल रोका जाए, रसोई गैस के दामों को नियंत्रित करके आम गृहिणियों को राहत दी जाए, सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी राशि को सिलेंडर की कीमत का 50% किया जाए, आवश्यक एवं खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हो रही बेलगाम वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए आदि मांगों का ज्ञापन भेजा गया है। रोहिताश महाराज जी, किस मामले को आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया? आज हमारा प्रदर्शन ये वाम दलों के राज्य स्तरीय आह्वान पर था और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको लेकर के आज वाम दलों के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल है। रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन से अब तक लगा करके 21 बार ये दाम बढ़ा चुके हैं। पेट्रोल 100 के आसपास पहुंच गया है, सरसों का तेल 200 रुपये पहुँच गया है और गैस के दाम 1000 रुपये पहुँच गए हैं। तो जनता में एक तरह तरह मच हुई है, जनता की कमर टूटी हुई है, जनता की आर्थिक स्थिति पहले से ख़राब है। उधर लॉकडाउन था, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है, उसके बच्चों का पालन पोषण करना उसको मुश्किल पड़ रहा है और सरकार इन बढ़ती कीमतों पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है और सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार या तो इस महंगाई को रोके वरना तत्काल इस्तीफा दे, जनता को कुछ दी जाए।